तो ये वाला वीडियो आपने रील्स पे तो देखा होगा, ये वाला वीडियो काफ़ी वायरल जा रहा है। तो इस वाला वीडियो पे आप कैसे इस तरह का वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं देख सकते हैं। कुछ इस तरह का मैं आपको सेम टू सेम एडिट करके दिखाऊंगा। और ये वाला वीडियो देख सकते हैं रोहित ने अपलोड किया है सेम टू सेम, और काफ़ी क्रिएटर भी इस तरह का वीडियो एडिट कर रहे हैं फोटो वाला ट्रांजेक्शन। तो मैं आपको सेम टू सेम इस तरह का मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको कोई भी एक वीपीएन से भी कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं स्लो वीपीएन यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी वीपीएन यूज कर सकते हैं, प्ले स्टोर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है और अभी आपको फ़ोटो ऐड कर लेना है। तो मैं फटाफट फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप जितना फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर करीब आपको 17-18 फ़ोटो तो चाहिए होगा, तो आपको फ़ोटो ऐड कर लेना है। तो कुछ इस पर अगर आपको फ़ोटो ऐड कर लेना है तो मैं फटाफट फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। तो ज़्यादातर आपको 17-18 फ़ोटो चाहिए इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं 15 फ़ोटो पहले ऐड कर लिया हूँ, और सबसे लास्ट वाला वीडियो जो रहेगा इसे आपको डिलीट कर लेना है। उसके बाद आपको कैसे एडजस्ट करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको फॉर्मेट हो जाना है और रील्स वाला साइज़ तो पहले ऐड कर लेना है, और इसका साइज़ आपको कुछ इस प्रकार जूम कर लेना है, एडजस्ट कर लेना हर एक फ़ोटो में कुछ इस प्रकार। एडजस्ट करने के बाद आपको देख सकते हैं मैं एडजस्ट कर लिया हूँ हर एक फ़ोटो में। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सॉन्ग ऐड कर लेना है। तो सॉन्ग को आपको ऑडियो कर लेना है, वीडियो में दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ इस प्रकार आपको ऑडियो कर लेना है। ऑडियो करने के बाद आपको जूम कर लेना है दोनों फिंगर से, और यहाँ पर आपको पहले में एक बार मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर आपको बीट मार्क कर लेना है हर एक बीट के हिसाब से। मैं आपको पहला तरफ आपको दिखा देता हूँ खाली कैसे आपको मार्क किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फ़ोटो एडजस्ट कर लेना है। तो बस आपको फ़ोटो कैसे एडजस्ट करना है, फ़ोटो पर एक बार क्लिक कर लें और स्प्लिट पर क्लिक कर लें, और पीछे का फ़ोटो आपको डिलीट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाना है और फिर से स्प्लिट कर लेना है और पीछे का फ़ोटो डिलीट कर लेना है। तो कुछ इसी प्रकार के आपको सब फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है। तो मैं पहले से ही एडजस्ट किया हूँ तो वही वाला वीडियो ले लेते हैं, क्योंकि एक एक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं पहले से एडजस्ट करके रखा हूँ हर एक फ़ोटो को बीट के हिसाब से। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार आपको भी एडजस्ट कर लेना है, और यहाँ पर मैं हल्का सा जूम थोड़ा कर लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको बस यहाँ पर एनिमेशन ऐड कर लेना है। तो सबसे पहला वाला जो आपको फ़ोटो देखने को मिलेगा तो इसमें आपको क्लिक कर लेना है और एनिमेटेड पे जाना है, और सबसे पहले लास्ट वाले में ऑप्शन क्लिक कर लेना है और इधर स्लाइड कर लेना है पूरा। स्लाइड करने के बाद आपको थोड़ा लोडिंग में टाइम लगेगा, तो लोडिंग होने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला जो इफेक्ट मिलेगा ये वाला देख सकते हैं जूम के बगल में जो है, तो इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सेकेंड वाला फ़ोटो में आपको सेकेंड वाला देना है, तो इसमें आपको ये वाला देना है, और फिर से आपको फर्स्ट वाला देना है। तो कुछ इस प्रकार आपका जितना भी छोटा छोटा पार्ट में रहेगा तो आपको यही वाला एनिमेशन ऐड कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं कहाँ गया ये वाला, फिर से आपको सेकेंड वाला देना है यहाँ पर, और यहाँ पर फिर से आपको फर्स्ट वाला देना है। तो कुछ इस प्रकार आपको ये वाला एनिमेशन ऐड कर लेना है फर्स्ट में जो रहेगा। तो इसमें दूसरा हो गया, तो मैं चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला ऐड कर लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार आपको ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर ये बड़ा वाला जो फ़ोटो आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको एक म्यूजिक आपको सुनाई देगा, देख सकते हैं बूम करके। तो यहाँ पर आपको चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दूसरा वाला एनिमेशन दे देना है। तो यहाँ पर आपको ये वाला एनिमेशन देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला एनिमेशन यहाँ पर ऐड कर दें। सबसे वन वाला आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, टू वाला नहीं देना है आपको, वन वाला देना है। तो उसके बाद आपको हल्का सा स्लाइड कर लेना है, और सेकेंड फ़ोटो में आपको स्लाइड वाला ऐड कर लेना है। तो स्लाइड वाला आपको देखने को मिलेगा यहाँ इधर आगे में रहता है, तो ये वाला स्लाइड वाला आपको ऐड कर लेना है। और फर्स्ट फ़ोटो में आपको वन वाला देना है, और सेकेंड फ़ोटो में आपको टू वाला देना है। तो इसमें मैं टू वाला ऐड कर लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार ऐड करने के बाद आपको ये जितने भी छोटा छोटा पार्ट में आपको दिख रहा फ़ोटो, तो इसमें आपको पहले जो एनिमेशन ऐड किए थे ये वाला एनिमेशन, तो वही वाला एनिमेशन आपको यहाँ भी ऐड कर लेना है। तो कुछ इसी प्रकार मैं ऐड कर लेता हूँ वही वाला सेम टू सेम, और फिर से फर्स्ट वाला। तो
कुछ इस प्रकार आपको इसमें भी आपको वही वाला एनिमेशन ऐड कर लेना है और इसमें फिर से आपको चेंज कर लेना है और फिर से आपको बूम वाला एनिमेशन दे देना है जो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल रहा था। तो वाला एनिमेशन मैं खोज रहा हूँ, तो ये वाला एनिमेशन, फिर से आपको ये वाला एनिमेशन ऐड कर लेना है और फिर से आपको छोटा छोटा पार्ट में फिर से आप पहले वाला एनिमेशन ऐड कर लें जिसमें ये वाला एनिमेशन ऐड किया था। तो इस प्रकार आपको ऐड कर लेना है, उसके बाद आपको फिर से इसमें आपको स्लाइड वाला ऐड कर लेना है। पहले आपको इसमें बूम वाला देना है, उसके बाद आपको स्लाइड वाला देना है। तो फिर से आपको वही वाला एनिमेशन ऐड कर लेना है। पहले मैं इसमें ये वाला एनिमेशन ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको ये वाला इसमें आपको स्लाइड वाला ऐड कर लेना है। दो फोटो रहेगा आपको, एक में फर्स्ट वाला देना है और सेकेंड में आपको सेकेंड वाला एनिमेशन ऐड कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार आपको हर एक फ़ोटो में एनिमेशन ऐड कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपका वीडियो कंप्लीट हो चुका है और आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इसी तरह का आप भी क्रिएट करके बना सकते हैं। काफ़ी इजी तरीके से मैं आपको बताया और ज़्यादा कुछ यहाँ पर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको बस एक ही एनिमेशन को बार बार ऐड करना है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार करने के बाद आपको बस यहाँ पर एक्सपोर्ट पर जाके एक्सपोर्ट कर लेना है। और अगर आप क्वालिटी MBPS अगर बढ़ाना चाहते हैं MBPS तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अगर आप बढ़ाना है तो 60 MBPS कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भाई। काफ़ी मैं न्यू वीडियो लाता रहता हूँ ऐसे ही। तो ऐसे ही मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।